और ये सामने मंदिर हम लोग का। तो और कुछ दिन पहले विराट कोहली भी यहाँ आए थे। विराट पॉइंट बारिश हो रही है, रेनकोट पहन के नहीं, और मुझे लगता है कि भीग जाएंगे क्योंकि ताल लेक का चौराहा है गाइस, और जस्ट सामने इसके नैनीताल है। तो चेक दिस आउट, काफी प्यारा व्यू है। तो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय चैनल। तो गाइस आज नैनीताल में हम लोग का दूसरा दिन है और सब लोग रेडी हो चुके हैं। तो आज हम लोग को जाना है हम लोग कैंची धाम जाएंगे, और हम लोग के ग्रुप के इंचार्ज कैप्टन जिसे बोलते हैं वो ये हैं भैया हमारे। तो यही सब डिसाइड करते हैं, इन्हीं की गाइडलाइन पर हम लोग चलते हैं जैसे ये बोलते हैं। तो लवर्स पॉइंट, सुसाइड पॉइंट, फिर आएगा ट्रॉली वाला मंदिर से जय मंदिर, फिर आएगा आपका ठंडी एसी के जिसके अंदर चिल्ड हवा निकलती है। ये स्टार्ट पर ये नैनीताल से बाहर का भी है, ये आउटर का टूर नैनीताल वगैरह। चल दिए हैं रूम से और अब थोड़ा चाय पी लेते हैं, और चाय पीने के बाद फिर चलते हैं। ये लोग बैठ के चाय की बड़ी नहीं मिल रही ना, लग जाती है मिल चुकी गाड़ी। अब इसमें जाएंगे हम लोग कैंची धाम। हम लोग अभी आ चुके हैं भवाली, और अब यहाँ से कैंची धाम का 15 किलोमीटर की रास्ते पे हैं, तो वहाँ चल रहे हैं। तो भाई लोग हम लोग बस में बैठ चुके हैं, सीट फुल भरी है तो खड़े खड़े चलना पड़ेगा। तो भाई गाय जा चुके हैं कैंची धाम, और काफ़ी मन था यार भगवान के दर्शन करने का। कैंची धाम का नाम बहुत सुना था, ये सिंगल भाई सबको। और ये सामने मंदिर हम लोग का, तो अभी चलेंगे दर्शन करेंगे। काफ़ी भगवान का नाम सुना था इनका, तो हमने सोचा कि चलते हैं भगवान के दर्शन करने। तो फाइनली आ चुके हैं, देख सकते हो मुख्य द्वार है, और बस ये मंदिर है भगवान का, करते हैं भगवान के दर्शन। भैया लोग कहाँ गए यार, भैया बहुत ज़्यादा है। और कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, बट ये देखिए पहाड़ों के बीचों बीच बसा है, चारों तरफ से पहाड़। हो चुकी है पूजा, और प्रसाद भी चढ़ा दिए भगवान को, और अब फोटो वोटो भी ले लिए थोड़ा बहुत। अंदर यार फ़ोन अलाउ नहीं था ना, तो इस वजह से फ़ोन नहीं ले गए। तो हमने बाहर से लो, इधर क्या वाला रास्ता भी बंद कर दिया। तो चलिए कहीं से भी चलते हैं जहाँ से भैया, और बाकी यहाँ इतना ही सामान मिलता है ज़्यादातर, तो मुझे लगता है फ़ोटो वगैरह ही हैं, बाकी कुछ नहीं है। और पानी की आवाज़ से ना मुझे लगता नहीं कि आपको सुनाई दे रहा होगा, बट सीन देखो यहाँ का काफ़ी प्यारा है यार। गाय दर्शन भी कर लिया और घूम भी लिए बढ़िया पहाड़ों की वादियों पे, काफ़ी मज़ा आया। तो मैं बता देता हूँ आपको, ये जो बाबा हैं तो क्यों फेमस हैं, असली ऐसा था ना कि ये हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, और तो इन्होंने ये यहाँ की स्थापना करी है। और कुछ दिन पहले विराट कोहली भी यहाँ आए थे, विराट कोहली भी इनके बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो इसी वजह से हम भी बाबा के बहुत बड़े फ़ैन समझो या भक्त समझो। तो दर्शन भी कर लिया, बस का इंतज़ार कर रहे हैं, बस आ जाए तो फिर चलते हैं वापस अपने नैनीताल, क्योंकि ये नैनीताल से करीबन 40 किलोमीटर की दूरी पे है, एक घंटे का सफ़र है, क्योंकि हम 3 दिन का सफ़र था, 2 दिन हो चुके हैं, अभी 1 दिन बचे हैं। तो अभी 1 दिन का, और अब यहाँ से जाएंगे फिर टिफिन टॉप जाएंगे बढ़िया, वहाँ पे राइड करेंगे पैदल वाली राइड, बाइक वाली नहीं, ऊपर आसमान में। और काफ़ी लोग बोट का इंजॉय कर रहे हैं, अभी दोपहर के टाइम में बोट बहुत ज़्यादा दिखती हैं, बहुत ज़्यादा जहाँ तक देख। गाइस मैं यहाँ की एक खासियत बताता हूँ, अगर आप नैनीताल आते हैं ना, तो यहाँ हार्ले स्कूटी सुपर बाइक वगैरह सब कुछ किराए मिल जाते हैं, आप 12 घंटे के लिए ले जाइए, उनका चार्ज जो भी लगता है उसे पे करिए, और जो भी चार्ज होता है वो पे करिए, ले जाइए, पेट्रोल भी आपका रहेगा। और यहाँ रूम वूम मिलने में भी आसानी रहती है यार, उतना कठिन काम नहीं है, बस थोड़ा चार्ज ज़्यादा लगता है ना यार।